सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1,25,000 के बराबर। मैं इंडियन हूं, इंडियन। उस हैवान को वही मार डालेगा, और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए मां और मुल्क एक है। मैं उन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं, और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। तूने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। भारत माँ की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। हिंदुस्तान।